नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल 24 एकेडमी में। आज हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, हमारी रिक्वेस्ट है। आइए हम देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप। जैसा कि आपको विदित है, सब जानते भी हैं, भारत को चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, या NCERT के अनुसार है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो पहला जो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार है, तीसरा उत्तर का विशाल मैदान है, एवं चौथा और जो लास्ट है वो तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है। आप इसमें मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जो रेड सर्कल में जो दिखाया जा रहा है, ये पूरा पूरा नॉर्दर्न माउंटेन। इसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड जो है ग्रेटर प्लेन, ये जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है, यह इस एरिया के अंतर्गत आता है। चार प्रमुख प्रदेशों में से, भारत के चार प्रमुख प्रदेशों में से सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा था? जी हाँ, इसका आंसर है प्रायद्वीप पठार। दूसरा कौन सा बड़ा प्रदेश है? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा कौन सा है? तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश। आइए हम देख रहे थे यहाँ पर भौतिक प्रदेश, तो पहला हम देख रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन है, देन उसके बाद ग्रेट प्लेन है, इसके बाद सेंट्रल हाईलैंड, जो आप देख सकते हैं यह पूरा के पूरा एरिया जो सेंट्रल हाईलैंड के अंतर्गत आता है। एक्चुअली में यह जो प्रदेश है वह जो है पेनिनसुला प्लेटू का है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये पूर्वी तटीय मैदान है, और यह वाला भाग है जो कोस्ट एरिया है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। इस प्रकार से भारत के भौतिक प्रदेश को चार भागों में बांटा गया है। आइए इसको वर्णन हम देखें किस प्रकार से ये चार भौतिक प्रदेश हैं और किस प्रकार से क्षेत्र में विस्तृत हैं। देखिए आप, इसमें पर्वतीय क्षेत्र अर्थात कुल अगर पूरा भारत को यह टोटल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में जो भारत विस्तृत है, इसको अगर देखा जाए कुल प्रतिशत के अंतर्गत देखा जाए तो 10.6% पर पर्वतीय क्षेत्र है, तथा 18% पर क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बाद पठार है 28%, लगभग 27.7% लिखा हुआ 28% है, और मैदानी भाग 43% है। इस प्रकार से अगर टोटल ओवरऑल इनका इंक्लूड किया जाए तो 100% आता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 10, 18, 28 और 43। आइए देखें, आज हम देखने जा रहे हैं, फिलहाल हम यहाँ उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ले रहे हैं। जी हाँ, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसके अंतर्गत इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय प्रदेश, और तीसरा है हिमाचल की पहाड़ियां या पूर्वांचल की पहाड़ियां। आइए हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत देखें, यह महान हिमालय के उत्तर तथा तिब्बत के दक्षिण में, यहां से अगर देखा जाए तो यह महान हिमालय एरिया कहलाया है। ये वाला भाग जो है महान हिमालय एरिया कहा जाता है। इसके पार जो हिमालय है उसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय, और इसके ऊपर जो भाला भाग है यहां पर तिब्बत का पठार है। तो तिब्बत के पठार के तथा महान हिमालय के उत्तर के बीच में क्या अवस्थित है? ये ट्रांस हिमालय अवस्थित है। हिमालय के पूर्व निर्मित यूरेशियन प्लेट का भाग एवं वनस्पति विहीन क्षेत्र है। यह जो ट्रांस हिमालय है, हम जिसकी बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय, एक्चुअली में यह जो है महान हिमालय के पूर्व इसका निर्माण हो चुका था। और यहां पर विभिन्न प्रकार जो आपने सुना होगा पूर्ववर्ती नदियां, अर्थात हिमालय से निर्माण के पूर्व जो नदियां रही हैं पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है, जैसे सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये जो नदियां हैं ये क्या है? पूर्ववर्ती नदियां हैं। यह नदियों का उद्गम कहां पर हुआ है? ट्रांस हिमालय में। यह वनस्पति विहीन भी क्षेत्र कहते हैं, कारण यह सदैव हिमाच्छादित रहता है। इसके साथ साथ यह जो पूछा भी जाता है क्वेश्चन की यह जो ट्रांस हिमालय है वह किस प्रकार से बना हुआ, तो जी हाँ, यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यह क्वेश्चन भी बनता है कई बार कि यह किस प्रकार से बना हुआ है, तो जी हाँ, आइए देखते हैं ट्रांस हिमालय को किस प्रकार से बांटा गया है। ट्रांस हिमालय को तीन भागों में बांटा गया। पहला है काराकोरम श्रेणी, इसको जो देखा जाए तो पूर्व में कैलाश श्रेणी, वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसको क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को, अर्थात बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में भी है, जिसे POK भी कहा जाता है। भारत की उच्चतम एवं विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है यहां पर केटू गार्ड विनाश्रेणी, जिसे गौरी नंदा भी कहा जाता है। जी हाँ, 8,611 मीटर है। पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भले ही वह पाक अधिकृत कश्मीर में है, अगर कभी आ जाए कंचनजंगा और साथ ही साथ गौरी नंदा या ये केटू गार्डविन का नाम लिखे, तो जी हां, आप लगाइएगा केटू गार्डविन। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गार्डविन ऑस्टिन है। दूसरा जो श्रेणी आती है वह लद्दाख की श्रेणी है। जी हाँ, ट्रांस हिमालय का दूसरा पार्ट है लद्दाख। लद्दाख जिसे क्या कहा जाता है? लद्दाख को क्या कहा जाता है? कैलाश पर्वत श्रेणी, अक्साई चिन। आपने सुना होगा जब भारत पाक का युद्ध हुआ था तो भारत पाक के युद्ध के बाद कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। विश्व का त्रिउत्तम ढाल वाली राकापोसी चोटी, ये बहुत बार क्वेश्चन तो नहीं आता पर कभी कभी पूछा जा सकता है, आप ऐसे भी आजकल 7788 से मीटर से भी याद कर सकते हैं। और यहीं पर अवस्थित है आप बुंजीगार्ज। जी हाँ, यह क्वेश्चन तो आता ही है, 5200 मीटर है यह बुंजीगार्ज।
भारत की सबसे बड़ी गार्ज। आपने सुना होगा कैनियन होता है, गार्ज होता है, यह जो नदी निर्मित स्थलाकृतियां हैं। गार्ज अर्थात कैनियन से छोटा वाला स्वरूप। अगला देखें हम, तीसरा मैंने बात किया था ट्रांस हिमालय के तीन पार्ट है, काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख और तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं जास्कर श्रेणी। जी हाँ, लद्दाख के दक्षिण में तथा हिमालय के उत्तर में अवस्थित है, यह भी पूछा जाता है। लद्दाख के दक्षिण में है और महान हिमालय के उत्तर में अवस्थित है जास्कर श्रेणी। यह भी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। आप कौन कौन सी नदियों का उद्गम है यहां से आप देख सकते हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का नदियों का उद्गम यहीं से हुआ है और यहीं पर अवस्थित है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। जी हाँ, सियाचिन ग्लेशियर। कहीं कहीं 72 किलोमीटर लिखा रहता है, कहीं कहीं 76 किलोमीटर, तो एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो 72 किलोमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं, जो हिमालय पर्वत का निर्माण है वह मूल रूप से यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जी हाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के गतिशीलता के कारण इसका निर्माण हुआ है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये टकराव के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। जी हाँ, यह दोनों प्लेटें, और यह भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है प्लेटों का खिसकाव किस दर से है, तो 5.66 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व की ओर है। यह फोल्डेड माउंटेन भी है, कौन सा है, हिमालय की बात कर रहे हैं ना कि ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, तो फोल्डेड माउंटेन भी है, विश्व का नवीनतम ललित पर्वत है और यहीं पर पाई जाती है। कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर भाग में जहाँ काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर की श्रेणियाँ। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है करेवा अर्थात निक्षेपात्मक झील, निक्षेप से बनी हुई झीलें, करेवा झील कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है जनरली पीएससी में, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सी लाइन अलग करती है, तो जी हाँ सचर जोन, ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, सचर जोन या हिंज लाइन भी कहा जाता है। आइए हम दूसरा पार्ट देखें, ट्रांस हिमालय के पश्चात हम देखने जा रहे हैं हिमालय पर्वत श्रेणियां। जी हाँ, सिंधु नदी के गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र की नदी के गार्ज तक विस्तृत है लगभग 2400 किलोमीटर। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है, पर एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए 2400 किलोमीटर, कहीं कहीं यहाँ 2500 किलोमीटर भी प्रदर्शित होता है बहुत सी बुकों में। यह जो है कहां से लगे, सिंधु नदी, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, सिंधु नदी से लेकर कहां तक है विस्तृत है, ब्रह्मपुत्र नदी तक है, विश्व का नवीनतम, वही फोल्डेड माउंटेन जो अभी हमने लास्ट टाइम में मैंने बताया था, वही पुनः यहां पर दोहरा रहा हूं क्योंकि यह पूछा जाता है विश्व का ये कौन सा हिमालय पर्वत कैसा है, फोल्डेड माउंटेन है और लगभग इसकी औसत ऊंचाई ये भी पूछा जाता है कितनी है, 61 लगभग 6100 मीटर भी कह सकते हैं आप इसको, तो यहां पर 6100 मीटर। कोबर के अनुसार पर्वत निर्माण इसका किस प्रकार से हुआ, तो यह इओसीन से लेकर प्लायोसीन के काल में हुआ है और किसके कारण हुआ, जियोसाइक्लाइन। जी हाँ, जियोसाइक्लाइन ये पूछा भी जाता है, भूसन्नति, जी हाँ हिंदी में कहें इसको भूसन्नति कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कोबर ने भूसन्नति को क्या कहा था, क्रेडल ऑफ माउंटेन कहा था अर्थात पर्वतों का पालना। भूसन्नति जो है मूल रूप से पर्वतों का जनन है या जन्म देने वाला है या पालने वाली कहा जाता है। कहीं जगह आपने देखा भी होगा टैथिस सागर को जन्म स्थल भी कहा जाता है, किसका, हिमालय का। प्लेट टेक्टोनिक हैरी हैंस के अनुसार जो है 1960 में जो हैरी हैंस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया था, उन्होंने ये बताया था कि हिमालय की जो उत्पत्ति है 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। जी हाँ, तो ये जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं यह क्वेश्चन में बहुत जगह पूछा भी गया है। वर्तमान में आप एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, 2019 में अभी वर्तमान में इनको पद्म भूषण मिला है, वो है बछेंद्री पाल। जी हाँ, ये माउंट एवरेस्ट में फतेह करने वाली भारत की प्रथम महिला थी। आइए हम देखते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसको तीन भागों में बांटा गया है और आप देख सकते हैं पहला है ग्रेटर हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय को हिमाद्री, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। यह जो महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, यह कहां से कहां तक विस्तृत है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक के। इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर से लेकर यह कहां तक के, अरुणाचल प्रदेश तक के विस्तृत है। जी हाँ, यहां पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी पाई जाती है, माउंट एवरेस्ट 8848 भी कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं जगह 8850 भी मिलता है। जी हाँ, परंतु इसको सागर माथा नेपाल में कहते हैं और तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, चोमुलुंगमा। इसके अतिरिक्त इस महान हिमालय ग्रेटर हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहीं पर अवस्थित है, सिक्किम में है, और इसके पश्चात मकालू है, धौलागिरी है, कामेत है और नंदा देवी है। ये सब समस्त चोटियां ग्रेटर हिमालय के पार्ट हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य नदियां गंगा है, यमुना है, नदियों का उद्गम है, गंगोत्री हिमनद है, मिलाम हिमनद है, इत्यादि हिमनद भी यहाँ पर अवस्थित है, महान हिमालय में ही यह पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ पर पूछा जाता है महान हिमालय और लघु हिमालय को कौन सा ट्रस्ट अलग करता है, तो जी हाँ इसका क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी जाता है, उसका आंसर है एमसीटी। एमसीटी एक्चुअली में मेन सेंट्रल ट्रस्ट कहा जाता है जो महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। आइए हम दूसरा पार्ट देखें, लघु हिमालय, मिडिल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई अगर औसत रूप से देखी जाए तो लगभग 4500
मीटर मिलती है। यह जो है महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक के उत्तर में अवस्थित है। यहाँ के कुछ उपनाम हैं, हिमाचल भी कहा जाता है, निम्न हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय भी कहा जाता है, वर्तमान में पहाड़ी नगर के नाम से भी लघु हिमालय को जाना जाने लगा है। कारण क्या है, यहाँ पर पहाड़ी नगरों में विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल है। आप देख सकते हैं शिमला है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, डलहौजी है, मसूरी है इत्यादि प्रमुख है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की घाटियां भी देख सकते हैं आप, कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, जी हाँ कांगड़ा घाटी है, लाहौल स्पीति घाटी अवस्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं, देख सकते हैं आप। इस लघु हिमालय को अगर देखा जाए, एक प्रकार से प्रादेशिक वर्गीकरण देखा जाए, तो यह भी प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा गया। पहला है पीर पंजाल श्रेणी, यह कहाँ पर अवस्थित पूछा जाता है, जो ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन हैं, ये ज्योग्राफी के अगर सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। धौलाधर श्रेणी कहाँ पर अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में है। और मसूरी श्रेणी, जी हाँ जो आप तो जानते ही, मसूरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है कहाँ पर, नेपाल में। तो लघु हिमालय को कहा क्या कहा जाता है, महाभारत श्रेणी कहा जाता है कहाँ पर, नेपाल में, ना कि महान हिमालय को। आइए दूसरा फैक्टर अगर देखा जाए, भारत की सबसे लंबी चेनानी नेसारी आपने सुरंग सुना होगा, बनिहाल दर्रे पर जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह कहाँ पर है, लघु हिमालय में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त ढाल में अवस्थित छोटे छोटे घास के मैदान भी यहाँ पर पाए जाते हैं लघु हिमालय में, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में यहाँ क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। जी हाँ आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग के नाम सुना होगा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर। इसी प्रकार से उत्तराखंड में घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको पयार और बुग्यार भी कहा जाते हैं। आपने सुना होगा बकरवाल और गुज्जर, और इन्हीं जनजातियां यहीं पर पाई जाती हैं कश्मीर में। आइए एक फैक्ट और देखते हैं, लघु हिमालय अर्थात मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सी रेखा अलग करती है। जी हाँ यह क्वेश्चन कई बार भी पूछा भी गया है कि कौन सी रेखा अलग करती है, तो जी हाँ मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसको MBF भी कहा जाता है, जो शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में अंतर करती है। जी हाँ वर्तमान में एक क्वेश्चन और भी बनता है कि सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है, क्वेश्चन रहता है महान हिमालय, लघु हिमालय, उप हिमालय, ट्रांस हिमालय, ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो आपको लगाना कौन सा है, शिवालिक हिमालय। वर्तमान में सबसे नवीनतम हिमालय जहां पर सर्वाधिक भूकंप आजकल आ रहे हैं वो है शिवालिक हिमालय। जी हाँ ये शिवालिक जो हिमालय है वह दक्षिणी भाग है किसका, हिमालय का, जिसे ब्राह हिमालय फलत से क्या कहते हैं, ब्राह हिमालय, उप हिमालय भी कहते हैं। आपने सुना होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान के जस्ट उसके ऊपर ही उसको हिमालय के नाम कहा जाता है, आउटर हिमालय। जी हाँ इस हिमालय पर्वत श्रेणियां जो है सबसे नवीनतम श्रेणी है, यह नवीनतम श्रेणी में फलता है। नवीनतम श्रेणी होने के कारण क्या है, यहां पर भूकंप अत्यधिक आते रहते। इसकी औसत ऊंचाई 900 से लेकर 1200 मीटर तक की मानी जाती है। इसके मध्यवर्ती भाग को क्या कहते हैं, दून कहा जाता है, और कहीं कहीं इसको द्वार भी कहते हैं मध्यवर्ती भाग में। तो आपने सुना होगा देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, इस प्रकार से, और द्वार में आपने हरिद्वार, कोटद्वार, इस प्रकार से नाम पूछा जाता है, ये पूछा भी जाता है शिवालिक हिमालय में मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, दून और द्वार, ना कि मर्ग और पयार। इसको बिल्कुल आप अलग अलग प्रकार से तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। जो सबसे निचला भाग है शिवालिक हिमालय का उसको कहा जाता है तराई क्षेत्र। जी हाँ यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दलदली जो क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, यह सबसे निचला भाग है शिवालिक हिमालय का। आइए तीसरा पार्ट देखें हिमालय प्रदेश का, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। जी हाँ आप यहाँ पर पूर्वांचल की पहाड़ियों में देख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है अर्धचंद्राकार के रूप में विस्तृत है। सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन सी है, डफला है, इसके बाद कौन सी है, मिश्मी की पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश की है। इसके अतिरिक्त पटकाई भी है और नागा की पहाड़ियाँ भी हैं और मिकिर की पहाड़ियाँ भी हैं, ये पूछा भी जाता है। जी हाँ इसको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, और इसके अतिरिक्त भी देखें अगर इसको पूरा का पूरा, तो मिसमी, अबोर, पटकाई, ब्रह्म, नागा, नागा पहाड़ी को पूछा जाता है आजकल, इसको क्या कहा जाता है, सरामती, स्थानीय नाम इसका सरामती की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मिकिर भी हैं, रेगमा भी हैं, गारो है, खासी है, जयंती है, मिजो भी हैं। ये मिजो जो पहाड़ी है इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। जी हाँ इसको नागा पहाड़ी को, नागा श्रेणी को आप ऐसे याद कर सकते हैं, सरामती कहा जाता है और मिजो पहाड़ी को कहा जाता है ब्लू माउंटेन। जातियां यहां की किस कार्य में करती होंगी, आपने सुना होगा ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ये झूमिंग कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त आप यहां पर देख सकते हैं बराक घाटी भी है, और बराक घाटी के अतिरिक्त यहां पर लोकटक झील भी अवस्थित है मणिपुर में, मणि में जो है लोक मणि को आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लोकटक झील कहां पर है, तो ये कहां पर है, मणिपुर में, मणि को लोक टक टक लगा के देखते रहते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है सुरमा नदी घाटी, आपने सुना होगा सुरमा नदी घाटी कहाँ पर है, असम में अवस्थित है, तेल उत्खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और मिजोरम जो है मोलिसिस बेसिन भी कहा जाता है। हिमालय का हमने अभी वर्गीकरण देखा, अब हम प्रादेशिक वर्गीकरण देखते हैं। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण सिडनी बुर्नार्ड द्वारा
नदी आधारित यह वर्गीकरण दिया गया है। पहला हम देखते हैं पंजाब हिमालय। जी हाँ, कश्मीर हिमालय व हिमाचल हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है। कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के मध्य अवस्थित है कौन सा? पंजाब हिमालय, जो सिंधु से सतलज के मध्य अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? सिंधु से सतलज नदी के मध्य अवस्थित है और लंबाई भी जनरली पूछा जाता है 560 किलोमीटर है। यहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं, अगर श्रेणियों को देखा जाए तो यहाँ पर चार श्रेणियाँ हैं, वो देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पीर पंजाल है, जास्कर है, धौलाधर है और लद्दाख श्रेणियाँ हैं। यह हिमालय के सर्वाधिक चौड़ाई वाला भाग भी माना जाता है। जी हाँ, ना कि लंबाई वाला, ये ध्यान रखेंगे, चौड़ाई वाला, सर्वाधिक चौड़ाई वाला कौन सा? पंजाब हिमालय। आइए दूसरा देखते हैं, कुमायूं हिमालय। सतलज से काली नदी अर्थात शारदा नदी के मध्य अवस्थित है कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय, जो 320 किलोमीटर पर अवस्थित है, दो श्रेणियों पर अवस्थित है, नाग टिब्बा श्रेणी और नंदा देवी। इस कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। जी हाँ, इसको याद कर लेंगे, नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। केदारनाथ, त्रिशूल, बद्रीनाथ, माना, गंगोत्री इत्यादि यहाँ की पर्वत चोटियां हैं। झीलें देखा जाए तो आपने सुना होगा, सात ताल, नैनीताल, भीमताल इत्यादि हैं। प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत नेपाल हिमालय, जो काली नदी है, काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक, जी हाँ, काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक विस्तृत हिमालय है, उस हिमालय को कहा जाता है नेपाल हिमालय। जी हाँ, लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा हिमालय पूछा भी जाता है, लंबाई की दृष्टि कौन सा हिमालय है? तो जी हाँ, नेपाल हिमालय सबसे बड़ा, जबकि चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो पंजाब हिमालय सबसे अधिक चौड़ा है। इसके साथ साथ यहाँ पर एवरेस्ट अर्थात माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। इसके अतिरिक्त मकालू, कंचनजंगा भी अवस्थित है। यह कंचनजंगा है, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। जी हाँ, पहली कौन सी है? ये आ सकता है केटूगाड विनाश्टिन, आपको याद ही होगा, 5,558 मीटर है कौन सी? कंचनजंगा। जबकि माउंट एवरेस्ट 8,850 है, वहीं केटूगाड विनाश्टिन 8,611 मीटर अवस्थित है। आइए लास्ट देखते हैं, प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत असम हिमालय। असम हिमालय जो है तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक अवस्थित है और लंबाई इसकी कितनी है? 720 किलोमीटर है। और इसका विस्तार अगर देखा जाए तो सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश एवं भूटान देश तक के विस्तृत है असम हिमालय। इसकी चोटियां अगर देखा जाए तो कांगड़ा, चिमोलहारी, पहुनी, काबश तथा नामचा बरवा तक विस्तृत है। यहाँ की जो नदियां हैं, कभी कभी पूछा जाता है, दिहांग दिबांग और लोहित तो प्रसिद्ध ही है, सुरमा और ब्रह्मपुत्र को भी याद कर लीजिए। इस प्रकार से ये पांच नदियां असम की बहुत प्रसिद्ध हैं।